करना भी हम हमारे आपस में फूट को डालना है जी। इतने घटनाएं पूरे देश में लगातार हो रही है कि बड़ी दुखदाई है। ये उसका एक आक्रोश है ठीक है, और ये पहला पड़ाव है ठीक। इससे पहले भी दिल्ली में बोल रहे इकट्ठा हुआ ऐसा नहीं, जिस प्रकार से ये ताकतवर पहला पड़ाव है और इसके बाद पड़ाव इतने मजबूत होंगे कि दिल्ली झेल नहीं पाए। भैया भाई कैसे देखते हो जो वर्गीकरण को लेकर के देश के अंदर माहौल बन रहा है, दो हिस्सों में समाज बढ़ गया, कैसे कंट्रोल कर पाओगे इस डैमेज को? देखिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या विदाउट जनगणना के वर्गीकरण हो सकता है? जब तक हमें ये पता ना लगे कौन कितनी आबादी में है, थोड़ी जाति थोड़ा ही है। अगर आप पूछो सपेरों का क्या, सपेरे जाति जो है उनका कितना प्रतिशत है, नटों का कितना प्रतिशत है, बंजारों का कितना प्रतिशत है, शासी को कितना प्रतिशत है, तो सरकार के पास नगण्य डाटा है। ये वर्गीकरण जो है उन्होंने सिर्फ फूट कैसे डाले, आप देखते होंगे नगीना में संघ जिनको ये कहता था कि हमारा बेस वोट, हालांकि उनके लिए किया कुछ नहीं, वो जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जिनको आज ठेकेदारी प्रथा के तहत 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 में जिनको नौकरी कराया जा रहा है, नौकरी कराया जा रहा है, बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, वो सारा एक तरफा होकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आ गया। आज भीम आर्मी की टीम में पूरे देश के अंदर मजबूती से वो आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, वो दीनाबाना के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो काशीराम साहब के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में आ रहे हैं। तो इसकी संघ में बड़ी बेचैनी है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हमको मिलेगा, हमारे हिस्से का चमार महार खा गए और ढोल बजा रहे हैं, हम जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? भाई वो जागरूक कर रहे हैं उनको मेरी ओर से बताया, लेकिन मैंने फिर कहा जब तक आप जमीन में गेहूं का बीज नहीं डालोगे, गेहूं नहीं डालोगे, जब तक गेहूं का पौधा पैदा नहीं हो सकता, जब तक इस देश में जातिवार जनगणना ना हो जाए तब तक ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या मान लिया जाएगा सरकार जाति के जनगणना के लिए तैयार हो जाती है तो भीम आर्मी सपोर्ट करेगी फिर वर्गीकरण का? सरकार अब से लेकर बहुजनों के कितने आंदोलन के लिए तैयार हुई है? हमारी पहल ये है भाई घर किसका हमारा, तैयारी किसको करनी है हमें, हम अपनी सरकार बनाएंगे फिर अपने लोगों को सब चीजें वो दे मुहैया कराएंगे जिनकी आवश्यकता, ये सबको सिर्फ समझना होगा। बहुजन आंदोलन बड़ी मजबूती से चंद्रशेखर भाई बार बार कह रहे हैं कि अलग से 10% आरक्षण दिया जाए जो जातियां पीछे रह गई है अलग से, क्योंकि जब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस दिया जा सकता है तो उनको भी दिया जा सकता है। मैं भी इसी बात पा रहा था, देखिए संविधान को ताक पर रख करके ये सब कुछ दिया गया, ईडब्ल्यूएस दे दिया गया, हमारी तो आबादी लगातार बढ़ रही है, 1947 में सब चीजें हुई, 50 में लागू हुआ और 50 से लेकर अब तक देखिए कितना समय हो चुका है, 70 साल से ज़्यादा हो सके, 75 साल लगभग है। आप सोचिए ना हमारी आबादी कितनी लगातार धीरे 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 डेवलप हो रही है, अगर उस समय हम 15% हुआ 30% हो गए। एक तरफ तो संविधान को ताक पर रखकर ईडब्ल्यूएस के तहत फ्री फंड में दे दिया जाता है, एक तरफ हम लगातार चीख रहे हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं भाई हमें भी दो हमें भी दो, लेकिन सरकार नहीं देगी। क्या कारण है, सरकार क्यों भाग रही है जाति का जनगणना से? देखिए मुझे ये लगता है जो लोग अपने हक अधिकार नहीं, अभी हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, अगर हमारे लोग अपने हक अधिकार समझ जाएंगे और लोकतंत्र का सही मतलब समझ जाएंगे तो सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, खुद की सरकार बनाएंगे, खुद की जाति जनगणना करवा। लगता है उतना आसान है सरकार बनाने? बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है आप जैसे भाई अगर साथ रहेंगे और अब लोगों के बीच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा सही मायने में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते, काशीराम साहब ने क्यों नौकरी छोड़ी, क्यों इस आंदोलन में पूरी तरीके से रहे, फूले साहब अम्बेडकर का सही आंदोलन कौन लोग चला रहे हैं, इसी का जब प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये किसानों के बच्चे, ये धूल मिट्टी से उठे हुए हम जैसे लोग, ये इस देश में बड़ा बदलाव करना है। नहीं आप कह रहे हैं बड़ा बदलाव करेंगे, बात एक तरफ 85% बहुजन समाज को इकट्ठा करने की हो रही है, यहाँ चमार और वाल्मीकियों में संग्राम हो रहा है, कैसे कर पाओगे, सवाल वही खड़ा है। देखिए मुझे लगता है कि चंद लोगों के पत्थर फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि बेचारे सिखाए हुए लोग भ्रमित है, देखो परिवार हमारा ही है और हम तो कहते हैं कि हम तो उनको उस हद से ज़्यादा देना चाहते हैं जिस हद से आज तक उनको नहीं मिला, भाई परिवार के लोगों को कुछ मिल रहा है तो हमें खुशी है, लेकिन दे कौन, बड़ा सवाल तो ये है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आह्वान पर लोग पहुँचे, कैसे देखते हो उस उपलब्धि को? परिवर्तन की शुरुआत और मुझे लगता है कि परिवर्तन को रोक नहीं पाए, इसमें आपको एक चीज और कहूँगा, जब तक फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ रहेगी तो परिवर्तन रुका रहेगा, और यदि विचारधारा जाएगी तो बड़े बड़े दुर्रम का नस्ते ना पूछ, तो भाई फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के परिवर्तन को लोगों का राजनीति में किससे किसको प्रतिनिधि मानते हो, प्रतिद्वंदी मानते हो? प्रतिद्वंदी कोई नहीं है,
वैचारिक रूप से, वैचारिक रूप से समानता की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर भी समानता चाहते थे, मोदी के अधिकारों में देते रहे हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ एक आंदोलन करके आया, गुरु घासीदास जी कहते कहते मन के मन के गुरु मानव मानव एक समान, गुरु रविदास जी कहते थे कि चाहो ऐसा राज में मिले समन पन छोटे छोटे प्रसन्न समता की बात तथागत बुद्ध हमें सिखा रहे हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मौलिक अधिकारों में दे दी असमानता प्रतिद्वंदी है। जो लोग असमानता की बात करते हैं, जो ऊंच नीच की बात करते हैं, जो लिंग की बात करते हैं, जो आर्थिक आधार पर और जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं, वो प्रतिद्वंदी है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, रामलीला मैदान नहीं मिला, इसका कहीं ना कहीं मलाल है, ये भीड़ अगर ओपन स्पेस में होती तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह सूचना आई, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हुई, बहुत सारी ट्रेनों को लेट करा गया, बहुत सारी गाड़ियाँ रस्ते में प्रशासन के द्वारा रोक ली गई। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि हम अब इतने जागरूक हैं कि प्रशासन को हमें रोकने के लिए अपना प्रशासनिक अमला नहीं षड्यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। डरती है सरकार के लिए भैया, आवाम से किसको डर नहीं लगता? जब आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आवाम से डर नहीं लगेगा। नहीं, अब आप आवाम हैं या ब्रांड बन गए? देखिए, मेरा ये मानना है ब्रांड तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं या तथागत बुद्ध हैं या हमारे जो महापुरुष हैं संत रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, ब्रांड तो वो लोग हैं भाई। हम तो सिर्फ उन्होंने जो रास्ता दिखाया, अगर हम उसका नखून भर भी काम कर रहे, एक बाल भर भी आगे कदम बढ़ा रहे, तो हम ये समझेंगे हमारा हम लोगों का जीवन सफल। आगे आंदोलन किस दिशा में ले जाओगे, कैसा लग रहा है? राजनीतिक रूप से ज़्यादा मजबूत करोगे, सामाजिक ढांचा मजबूत करोगे? देखिए, सामाजिक ढांचा तो बीमारी बहुत मजबूती इलाज पूरे देश में कर रही है। आप सबके सहयोग से 24 से 25 राज्यों में हमारा संगठन है और लगभग 24 से 25 राज्यों के लोग आज यहाँ आए कार्यकर्ता। बहुत सारे साथियों को बोलने का समय नहीं मिला, जैसे तमिलनाडु के हमारे दक्षिण बोल पाए, आसाम के दक्षिण बोल पाए, हमारे जम्मू के लोग नहीं बोल पाए और तमाम प्रदेश से तेलंगाना के साथी तो मंच तक भी नहीं पहुँच पाए। मेरी बाद में निगाह पड़ी, वो भीड़ में खड़े, हमने पूछा भाई कहाँ भैया आ नहीं पाए इतने लोग। तो ये आंदोलन बीमार भी तो जड़ तो मजबूत बीमार भी कर रही है और हमारा राजनीतिक अमला या समाज पार्टी खासी राम भाई चंद्र राज उस कारमा को करने को लेकर चल रहे हैं और मुझे लगता है कि दोनों बड़ी मजबूती से आगे क्यों बढ़ रहे हैं। बीमार भी आगे चल रही है बड़े भाई की तरह और आजाद समाज पार्टी छोटे भाई की तरह। आने वाले समय में RSS और BJP की तरह दोनों राजनीतिक और सामाजिक संगठन की भूमिका में रहेंगे? मुझे लगता है कि हमारे जो पिछले आंदोलन रहे या हमारे पुरखों में सिखा है, हमें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज तक चाहे वो बुद्ध की नीति हो, चाहे रैदास की नीति हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की नीति हो, चाहे काशीराम साहब की, आज तक मनुवादियों ने हमारी नकल की, आगे भी उन्होंने हमारी नकल करनी पड़ेगी। हम भीम आर्मी को समता सैनिक दर्ज की तरफ, हम भीम आर्मी को संघ की तर्ज पर जो हमें बुद्ध ने दिया उस तर्ज पर आगे चला रहे हैं और हमारी तर्ज पर ही यहाँ संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया कहा जाता है, वो हमारी तर्ज पर चल रहा है ना कि उनकी। और हम जो है समानता के लिए अग्रसर हैं, हम किसी जाति किसी धर्म के विरोधी नहीं, ठीक है? और जब कोई किसी जाति किसी धर्म का विरोधी नहीं होता तो वही संविधान का सच्चा प्रश्न होता है।